मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन। आज हम पढ़ेंगे कि ये बर्थ कंट्रोल ये कैसी होती है। एज लिटल एज 4 वीक्स आफ्टर गिविंग बर्थ, बर्थ के 4 हफ्ते बाद इट इज पॉसिबल दो अनलाइकली दैट अ वुमन मे कंसीव अगेन। बर्थ के बच्चा पैदा करने के 4 महीने और 4 हफ्ते बाद, 1 मंथ बाद ही ये पॉसिबल होता है कि जो एक औरत होती है वो दोबारा कंसीव कर सकती है एक बेबी के लिए ना। फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग में रिड्यूस द चांसेस ऑफ कंसेप्शन। जो माँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, इससे क्या होता है कि कंसेप्शन के द्वारा बच्चा पैदा होने की चांसेस थोड़ी कम हो जाते हैं। नेवरदलेस इट वुड बी पॉसिबल टू हैव अ चिल्ड्रन अबाउट 1 ईयर इंटरवल। ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल के वक्त के बाद जो नया बच्चा है वो आप पैदा कर दें, ठीक है, जो मदर होती है वो पैदा कर दें। मोस्ट पीपल डू नॉट वांट, ज़्यादातर जो पीपल होते हैं वो इस चीज़ को बच्चे को ना फ़ौरन लेना पसंद नहीं करते और कैन नॉट अफोर्ड, वो इस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो जो बच्चे को फ़ौरन पैदा करें। टू हैव एज मैनी चिल्ड्रन एज दिस, के इस तरह उनके बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। All human communities therefore practice some form of birth control. जो तमाम human communities हैं वो कुछ ना कुछ तरीके से जो birth को control करने की कोशिश करते हैं। To space out births and limit the size of their family. कि वो जो अपनी birth है उसके दरमियान वक्फा पैदा कर सकें और जो उनकी size है family का वो भी ठीक ठाक है, ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, ज़्यादा लोग ना family के अंदर आ जाए। Sense है abstinence, मतलब है कि इसके दरमियान कुछ ऐसे specific days के अंदर जो sex या intercourse होता है ये male और female नहीं करते, जिससे वो सक्सेसफुली तौर पर जो कंसीव करने से बच जाते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह से बच जाते हैं। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस वे ऑफ प्रिवेंटिंग अ प्रेगनेंसी। दिस इन्वॉल्व अ कपल अवॉइडिंग, इसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इसमें एक कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करता है। इन दिस वे स्पर्म कैन नॉट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द एग एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट हैपन। स्पर्म एग के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। मोनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मोनिटर करना, इफ इट वर पॉसिबल टू नाउ exactly where ovulation occur, intercourse could be avoided for 3 to 4 days before and 1 day after ovulation, ठीक है। intercourse को जो है avoid करते हैं 3 to 4 days before ovulation और 1 day after ovulation। जब ovulation होती है तो body temperature slightly change होता है, इससे भी फिर female को पता लग जाता है कि ovulation हुई है। At the moment, however, there is no simple reliable way to recognize ovulation. कोई भी सिंपल आसान वे नहीं है कि हमें पता लगे कि ओव्यूलेशन होती है। तो इट इज़ यूजुअली 12 to 16 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से 12 या 16 दिन पहले ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है। बाय कीपिंग केयरफुल रिकॉर्ड्स ऑफ द इंटरवल बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन पीरियड इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट अ पोटेंशियली फर्टाइल पीरियड ऑफ अबाउट 10 डेज। अगर हम जो फीमेल होती है वो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर थोड़ा गौर करें तो उसको एक पोटेंशियली फर्टाइल पीरियड मिल जाएगा। 4-5 दिन पहले मिल जाएंगे ओव्यूलेशन से, 4-5 दिन बाद में मिलेंगे। अगर वो इन 10 दिन के अंदर एब्सटिनेंस, नो सेक्स होगा उनके अंदर, तो फिर क्या होगा कि उनका जो बच्चा होगा नेक्स्ट वो नहीं बनेगा, प्रेगनेंसी वगैरह नहीं मेंटेन होगी। When sexual intercourse should be avoided if children are not wanted. On its own, this method is not very reliable, but there are some physiological clues that have to make more accurate. ठीक है, इतना अच्छा कोई method नहीं है, लेकिन हम functionally तौर पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे क्या है कि हमें help मिले इस चीज़ को achieve करने के अंदर। During or soon after ovulation, फौरन बाद ओव्यूलेशन के या ओव्यूलेशन के दौरान अ वुमेन्स टेम्परेचर राइज बाय 0.5 सेल्सियस, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो राइज करता है। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट 1 डे आफ्टर द टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, 1 दिन के बाद जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल पे चला जाता है, अ वुमेन विल बी इनफर्टाइल, और जो वुमेन होगी वो फिर इनफर्टाइल लेगी। अगर हमें पता लगेगा कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एब्सटिनेंस होगी, नो सेक्स होगा, तो फिर नेक्स्ट बच्चा पैदा नहीं होगा। एब्सटिनेंस जिस तरह ये इन्होंने पोटेंशियली क्या है कि ऐसा पीरियड 10 दिन का या 7 दिन का या 8 दिन का इनको पता है, तो इस दौरान एक दूसरे से नहीं मिलते, इंटरकोर्स नहीं करते, तो फिर ये उनकी फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल के अंदर ही काउंट किया जाएगा। सर्विकल म्यूकस जिससे फीमेल को अपनी क्या कहते हैं कि ये पता लग जाएगा ओव्यूलेशन वगैरह का। एंड अदर ग्लो कम फ्रॉम द टाइप ऑफ म्यूकस सेक्रेटेड बाय द सर्विक्स एंड द लाइनिंग ऑफ द वजाइना। एक और क्लू है जो फीमेल्स को पता लग जाता है अपने जो म्यूकस उसका सर्विक्स से या वजाइना से निकलता है। एज द टाइम फॉर ओव्यूलेशन अप्रोचेस द म्यूकस बिकम्स मोर फ्लूइड, जो म्यूकस होता है ओव्यूलेशन के टाइम पर मोर फ्लूइड हो जाता है, पतला हो जाता है। व्हेन वुमेन कैन लर्न टू डिटेक्ट दीज चेंजेस एंड सो कैलकुलेट देयर फर्टाइल पीरियड, और वुमेन अपने म्यूकस को देखेगी कि ये ज़्यादा पतला हो रहा है या कैसा है, अगर वो इस चीज़ को म्यूकस की शेप्स को या फिर उसकी टाइप्स को अगर वो उसको पता लग जाए तो वो अपने फर्टाइल पीरियड का भी उसको पता लग जाएगा। बाय कंबाइनिंग द कैलेंडर के जो फर्टाइल पीरियड 10 दिन का, टेम्परेचर और उसको जो टेम्परेचर वगैरह का भी अगर वो आइडिया रखे और म्यूकस मेथड को भी अगर वो देख ले, इट इज़ पॉसिबल टू अचीव 80% सक्सेस। ये इससे बंदा क्या कहते हैं कि 80% सक्सेस रेट उनके अंदर होता है और वो बर्थ कंट्रोल अपनी कर सकते हैं। ओनली 20% अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज, फिर
20% अनप्लैंड प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, थोड़े कम चांसेस हैं ठीक है, लेकिन फिलहाल होते हैं। हाईली मोटिवेटेड कपल में अचीव बेटर रेट्स ऑफ सक्सेस एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी हेल्पफुल वे ऑफ फाइंडिंग द फर्टाइल पीरियड फॉर कपल्स हु डू वांट टू कंसीव। और यही मेथड है उन लोगों के लिए भी जो जिनको कंसीव के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और वो उनको फर्टाइल पीरियड पता लग जाएगा और वो उन्हीं 10 दिन के अंदर अगर ज्यादा इंटरकोर्स करेंगे, सेक्स करेंगे, तो इंशाल्लाह उनके बच्चों के जो पैदा होने के चांसेस है ज्यादा होंगे। हाउ इट चेंजेस इन द साइकिल एट आफ्टर द पीरियड इट्स लाइक कम फ्लूइड होता है ठीक है, इन दिस साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर फ्लूइड होता है, गाढ़ा होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। ओव्यूलेशन के टाइम पर फ्लूइड आप देखें कि वो कितना ज्यादा हो जाता है, आफ्टर ओव्यूलेशन वो कुछ इस तरह का ही होता है जिस तरह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होता है। क्या है शीथ और कॉन्डम फॉर बर्थ कंट्रोल, अ थिन रबर शीथ इज प्लेस्ड इन द इरेक्ट पेनिस बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, द शीथ ट्रैप्स द स्पर्म एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस, इट ऑल्सो प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो शीत और कॉन्डम एक ही चीज़ होती है, रबर की शीत होती है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और ये स्पम्स को रोकती है और इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी रुकती है। डायाफ्राम, अ थिन रबर डिस्क, एक थिन रबर डिस्क होती है प्लेस्ड इन द वजाइना बिफोर द इंटरकोर्स, ये वुमेन्स यूज करती हैं, कवर्स द सर्विक्स, सर्विक्स को कवर करती है एंड स्टॉप्स स्पर्म एंटरिंग द यूट्रस और स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर एंटर होने से रोकती है। कॉन्डम एंड डायफ्राम यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद केमिकल दैट इम्यूबलाइज स्पर्म, वो ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो उनको इम्यूबलाइज करें जिसकी वजह से वो आगे ना बढ़ पाए और एग तक ना पहुंच पाए, आर अबाउट 95% इफेक्टिव, 95% तक इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि अनएक्सेप्टेड प्रेगनेंसी वगैरह हो सकती है कुछ केसेस के अंदर। हाउएवर डायफ्राम डज नॉट प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसटीआईज, जो डायफ्राम होती है वो प्रेगनेंसी को तो रोकती है लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ये नहीं रोक पाती। सेमीडम, सेमीडम क्या है, दिस इज अ फीमेल कॉन्डम, इट इज अ शीट और पाउच मेड अप ऑफ पॉली यूरेथेन और रबर विद फ्लेक्सिबल रिंग एट ईच एंड, इसके ईच एंड पे फ्लेक्सिबल रिंग होती है, रबर से बना होता है, फीमेल कॉन्डम होता है ठीक है। द रिंग एट द क्लोज एंड ऑफ द शीट इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना, एक रिंग जो क्लोज एंड पे होगी उसको वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाएगा टू होल्ड द फेमिडम इन प्लेस, के फेमिडम अपनी प्लेस में रहे। द रिंग एट द ओपन एंड इज प्लेस्ड आउटसाइड द वजाइना, जो रिंग आउटसाइड द वजाइना होगी तो ओपन एंड पे होगी। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सीमन इज ट्रैप्ड इनसाइड द फेमिनम, जो सीमन होता है वो फेमिडम के अंदर ट्रैप हो जाता है। फेमिडम रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ बाय एसटीआई, ये एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के इन्फेक्शन को भी रोकते। फंक्शन इसका सेम कॉन्डम वाला इसका फंक्शन होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बर्थ कंट्रोल पे आगे केमिकल सर्जिकल मेथड्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, रिप्रोडक्शन के बाकी तमाम लेक्चर्स भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। इंशाल्लाह मैं रोज एक एक वीडियो अपलोड करूंगा और आईजीएससी केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाकी लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।